मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। एसएससी कांस्टेबल भर्ती बड़ी खुशखबरी आई है। पीटी पीएसटी डेट जो है अनाउंस्ड हो गया है, ऑफिशियल आया अपडेट। अगस्त से सितंबर होगा पीएसटी पीईटी, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सभी छात्र जल्दी देखें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। स्टाफ सिलेक्शन मिशन इंपोर्टेंट नोटिस, सब्जेक्ट जो है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेफ्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। द रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 वाज डिक्लेयर बाय द कमीशन ऑन 20/6/2019। आपका रिटर्न एग्जाम का जो है रिजल्ट वो घोषित किया गया 20/6/2019 को। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डेट पी टी पी एस टी ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द एफोरसेड एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अगस्त टू सेप्टेम्बर 2019। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल फोटो आई डी, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलोंग विथ नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड। जो भी कैंडिडेट पीईटी पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं उन सभी को जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि अगस्त से सितंबर 2019 में आपका जो है पीईटी पीएसटी होगा और आपको जो है ओरिजिनल फोटो आईडी जो है वो लेके जाना है। साथ में आपको प्रिंट आउट जो है एडमिट कार्ड का, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है आपको एडमिट कार्ड में मेंशन है वो सभी जो है आपको लेके जाने हैं। पॉइंट बोला जा रहा कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिजल्ट एकदम एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड में जो कोई भी यदि एरर हो तो आप जो है रीजनल ऑफिस कमीशन जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं 31/7/2019 से पहले, और आपको जो है कॉपी जो है प्रिंट आउट का वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको सबमिट करना है, और आपको एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड है उसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड वो दोनों जो है आपका सबमिट करना है। इनकेस आपके साथ जो है जैसे आपका स्कोर कार्ड है लेकिन आपका जो है क्वालिफाइड है नाम नहीं आया या ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है डेटा वो आपका चेंज है तो उसके रिगार्डिंग जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ में बोला जा रहा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की है, कैटेगरी या नेम चेंज या डोमिसाइल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो अब जो है वो आपका करेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले जो है आपका कमीशन ने डेट दिया था उसके बीच में आपको जो है कोई भी चेंजेज है तो वो करवा सकते थे। उसके नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि पीएसटी पीईटी जो है बोर्ड आपको कोई भी डेटा चेंज करने के रिगार्डिंग जो है इंटरटेन नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।